नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इंडियन रेलवे। आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट है सितंबर के महीने में कैंसिल रहने वाली ट्रेन की जानकारी के बारे में। आखिर कौन कौन सा ऐसा ट्रेन होगा जो आपको सितंबर में परिचालन बाधित रहेगा, यह जानने के लिए हमारा यह वीडियो पूरा अवश्य देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, इसलिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। तो चलिए आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट शुरू करते हैं। वाराणसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 का निर्माण कार्य शनिवार से आरंभ हो गया है, जिसे लेकर अगले 12 दिन तक भागलपुर जमालपुर किऊल रेलखंड पर चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेन और कई मेल व एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल रहेगी। स्टेशन प्रबंधक ने बताया कि पूर्व रेलवे के चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर द्वारा इसकी जानकारी दे दी गई है और साथ ही किऊल भागलपुर और जमालपुर रेलखंड को इसकी सूचना भी अधिकृत कर दी गई है। इसमें बताया गया कि वाराणसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 और अन्य प्लेटफॉर्म संख्या पर 31 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक निर्माण कार्य होगा, जिसको लेकर सितंबर महीने तक ट्रेन कैंसिल रहेगा। इसको लेकर ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है, इसके कारण वाराणसी से होकर गुजरने वाली सारी ट्रेन, लगभग 10 ट्रेन ऐसी है जो वाराणसी से गुजरती है और अन्य जगह पर जाती है, ये कैंसिल रहेगी। इनमें से 8 लंबी दूरी की ट्रेन जमालपुर से होकर गुजरती है और उन्होंने बताया कि CPTM के आदेशानुसार अलग अलग स्टेशन से रवाना कर इन ट्रेनों को डाइवर्ट कर चलाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन कौन सी ट्रेन कौन कौन से दिन रहेगी कैंसिल। पहली ट्रेन 13119 अप सियालदा आनंद विहार एक्सप्रेस 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर और 8 सितंबर तक कैंसिल रहेगी, और 13120 डाउन में आनंद विहार सियालदा एक्सप्रेस 3 सितंबर, 7 सितंबर और 10 सितंबर को, 13133 सियालदा वाराणसी एक्सप्रेस 2 सितंबर, 9 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 7 सितंबर, 6 और 11 सितंबर को कैंसिल रहेगी। और अब बात करते हैं फरक्का एक्सप्रेस के बारे में, 13413 2 सितंबर, 5 सितंबर, 7 सितंबर और 9 सितंबर को कैंसिल रहेगी, 13414 डाउन में फरक्का एक्सप्रेस 2 सितंबर, 4 सितंबर, 7, 9 और 11 सितंबर को कैंसिल रहेगी, 13134 डाउन में वाराणसी सियालदा एक्सप्रेस 2, 3, 5, 6 और 7 सितंबर को कैंसिल रहेगी, इसके साथ साथ 9, 10, 12 और 13 सितंबर को भी कैंसिल रहेगी। अब आखिरी में डाउन में फरक्का एक्सप्रेस की बात करें, जिसकी ट्रेन संख्या है 13484, यह 3 सितंबर, 5 सितंबर, 6, 8, 10, 12 और 13 सितंबर को कैंसिल रहेगी। तो ये था वो सारी ट्रेन का डिटेल जो ट्रेन कैंसिल रहेगी अपने निर्धारित समय और तिथि पर। इसके अलावा एक और ट्रेन आपको कैंसिल रहने की लिस्ट में शामिल है। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन सी यह ट्रेन है। गरीब रथ एक्सप्रेस रीशेड्यूल, भागलपुर से चलकर आनंद विहार तक जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस के परिचालन में सुधार नहीं हो पा रहा। सप्ताह में 3 दिन चलने वाली इस सुपरफास्ट ट्रेन का परिचालन समय पर नहीं हो पा रहा, जिसके कारण ट्रेन को लोकप्रियता घटती जा रही है। वास्तव में यह आरंभ से ही इस ट्रेन को लेकर वैकल्पिक रैक उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण यदि अगर एक रूट पर गरीब रथ एक्सप्रेस विलम्ब होती है तो भागलपुर पहुंचने से वापस वह ट्रेन खुलने पर विलम्ब हो जाती है। इसी प्रकार से शनिवार को भी आनंद विहार से चलकर आने वाली 22406 डाउन में गरीब रथ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 9:25 से अनिश्चित विलम्ब से चलकर अपराह्न 1:40 पर जमालपुर पहुंची। बताया गया कि इसके कारण 22405 अप गरीब रथ एक्सप्रेस को भागलपुर से रीशेड्यूल कर चलाया गया, जिसके कारण यह ट्रेन अपने निर्धारित समय 2:30 के बजाय खोला गया और जमालपुर पहुंचा। तो यह सब ट्रेन आपको कैंसिल अगले सितंबर के महीने में दिखेगा। तो एक बार चलिए फिर से जान लेते हैं आखिर कौन कौन सी ट्रेन पर असर होगा इसका। सियालदा आनंद विहार एक्सप्रेस अप और डाउन में कैंसिल रहेगा, सियालदा वाराणसी एक्सप्रेस अप और डाउन में भी कैंसिल रहेगा, फरक्का एक्सप्रेस डाउन और अप दोनों में कैंसिल रहेगा। इसके अलावा न्यू फरक्का एक्सप्रेस भी आपको कैंसिल नज़र आ सकती है। तो ये था वो सारा लिस्ट जो आपको अगले सितंबर के महीने में देखने को मिलेगा कैंसिल ट्रेन। इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल इंडियन रेलवे KR को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो दूर तक शेयर करें, ताकि सारे लोगों को पता चल सके कि आखिर कौन सी ट्रेन डाइवर्टेड और कैंसिल है।